I played it सो so, है hey आज का ये वीडियो होने वाला है टॉप टेन फिशेस के ऊपर जो कि हाईली एग्रेसिव एज वेल एज बुलिंग टाइप फिश है मतलब अगर कोई उसके साथ छोटा फिश या फिर ऐसा कोई फिश रखे जो उसके साथ नहीं रहेगा तो उसे तरपा के तरपा के मारेगा मतलब ऐसा टाइप फिशेस है आज का टॉप टेन लिस्ट में सो so, गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so, मैं बेसिकली टॉप टेन से टॉप वन लिस्ट तक बताऊंगा क्योंकि टॉप टेन में थोड़ा वीक वाला बुलिंग फिश है और नंबर वन में सबसे हाईली बुलिंग फिश है हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर टेन में जो है वो है एरोवाना आप लोग बोलेंगे एरोवाना भी अटैक करता है जी हाँ पर वैसे तरपा के नहीं मरता है पर एरोवाना के साथ अगर कोई भी छोटा फिश रख दे एकदम डायरेक्ट उसे टैंक में बहुत भगाएगा बहुत भगाएगा उसके बाद उठा के एकदम डायरेक्ट खा लेगा सैरोवाना बेसिकली अटैक नहीं करता पर एकदम उठा के ही खा लेता है सो एरोवाना की भी हम लोग बोल सकते हैं एग्रेसिव एज वेल एज बुलिंग टाइप फिश की बहुत ही भगाता है नंबर टू में जो है नंबर टू तो नहीं बोलूंगा सॉरी नंबर एट में जो है वो है रेड टेल कैटफिश रेड टेल कैटफिश क्यों क्योंकि गाइस रेड टेल कैटफिश तर के नहीं मरता है पर एकदम मुंह में ही घुसा लेता है देखिए मेरा जो आप रेड टेल कैटफिश छः से सात इंच था मेरा लाइव एक्सपीरियंस है मेरा जो रेनबो शार्क है उसका साइज भी लगभग ही वैसा ही था तो उसे भी उठा के खा लिया था लोच को भी खा लिया था मतलब सोच सकते आर टी सी के ऊपर आप लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते कब किसको उठा के खा लेगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि गाइस इसका जो मुँह है ना बहुत ही बड़ा होता है कुछ भी अगर मतलब खाना चाहेगा ऐसे ही खा लेगा नंबर एट में जो है वो है एक बहुत ही बुली टाइप फिश मेरे लिए मेरे को भाई बहुत ही लगता है ये बुलिंग टाइप फिश है जो कि ऑस्कर ऑस्कर देखिए हाईली बुलिंग टाइप फिश होता है क्योंकि गाइस ये एकदम डायरेक्ट नहीं मारता है ये क्या करता है पहले उसका जो आई है उसे टर्न कर लेता है फिश जो फिन होता है उस उसके साथ जो टेल है पूरा मतलब उठा के खा लेता है उसके बाद उसका बॉडी को खाता है मतलब इतना तरपाता है कि भाई फिश का हालत ख़राब हो जाता है उसके बाद ये खाता है तो ऑस्कर को एकदम बुलिंग टाइप फिश आप लोग बोल सकते हैं नंबर सेवन में जो है वो है परूण शार्क परुन शार्क देखिए वैसे शांत रहता है पर जब अटैक करना होता है ना बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है क्योंकि गाइस देखिए आईडी शार्क जो है नॉर्मली पेलेट फीडिंग एज वेल एज लाइव लेता है पर परुन जो है एकदम ही लाइव फीडिंग ही जाता है इसलिए गाइस परुन शार्क मतलब कभी इसका मन हुआ तो डायरेक्ट अटैक भी कर देता है नंबर सिक्स में जो है वो है ओल्ड फिश अब ओल्ड फिश देखिए बहुत ही रेयर हो गया अभी अभी जो है अब्दुल सर के पास है उनका आई में जाके देख सकते हैं मैं भी देखा उनके पास जो ओल्ड फिश है ना मतलब बहुत ही डेंजरस होता है मतलब किसी अगर कोई फिश को पकड़ ले तो उसका मांस उखाड़ देगा एक ही मिनट में उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ओल्ड फिश एक हाईली डेंजरस फिश है दूसर आप दूसरे का आईडी में जा आप लोग चेक कर सकते हैं नंबर फाइव में जो है बहुत ही फेमस एलिगेटर गार्ड एलिगेटर गार्ड क्यों देखिए इसका तो भाई पूरा दाँत ही होता है जब भी मन चाहे कोई भी फिश को पकड़ेगा एकदम दाँत से चबाएगा खा लेगा ये तो भाई बुलिंग टाइप बुलिंग टाइप नहीं बोलेंगे एग्रेसिव टाइप हो सकता है क्योंकि गाइस इससे छोटा जो फिशेस है उसे आराम से खा लेगा नंबर फोर में जो है बहुत ही एक हाईली डेंजरस फिश जो कि है वैम्पायर फिश क्योंकि इसका जो टीथ होता है बहुत ही डेंजरस होता है सो कैसे वैम्पायर फिश जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं ये हाईली बुलिंग टाइप फिश है ये एकदम दांत में पकड़ेगा उसके बाद हालत खराब करके उसे खा लेगा सो इस वैम्पायर फिश को हम लोग एक बुलिंग टाइप फिश बोल सकते हैं नंबर थ्री में जो है वो है स्नेकेड कोई भी स्नेकेड हो जाए नॉट स्पेसिफिक स्नेकेड स्नेकेड आर ऑलवेज एस बुलिंग टाइप फिशेस क्योंकि स्नेकेड एकदम पूरा जोर से अटैक कर देता है उसके बाद लाइफ मतलब उठा के खा लेता है देखिए आज का जो टॉप टेन लिस्ट बता रहा हूँ ना इसमें मैक्स नाइन मतलब टेन जो फिशेज है टेन फिशेज ही बुली करता है उसके बाद खा लेता है मतलब ऐसा नहीं कि भाई बुली करके छोड़ देता है, ऐसा कोई भी फिश नहीं है जो भी बुली करता है खा भी लेता है सो कहीं स्नैक भी वैसा एक डेंजरस फिश है इसीलिए स्नैक को भाई अकेला रखना है हमेशा ठीक होगा नंबर टू में जो है मेरा एक बहुत ही फेवरेट फिश मेरे को भी रखने का भी मन है इन फ्यूचर देखा जाए क्या होता है वो है गोलियत टाइगर गोलियत टाइगर देखा एक बार मैं देखा था गलीफ में लाया था पर उसका प्राइसिंग बहुत ही हाई चल रहा था इसका भी टिप्स होता है और ये भी जो है मेरे को बहुत ही पसंद आता है इसका जो टीथ्स है इसका जो फिश कटिंग है बहुत ही मस्त लगता है और ये भी हाईली बुलिंग टाइप फिश है क्योंकि देखिए जिसके पास ही टीथ होता है उसका मतलब मैक्सिमम जो टीथ वाला फिश होता है उसके वही होता है क्योंकि गैस वो तो पकड़ता है छोटा फिसको पूरा चबा के खा लेता है एंड नंबर वन में जो है जो कि भाई इंसानों को भी मार सकता है आराम से जो झुंड में आता है अकेला नहीं आता है वो है नन अदर देन पिराना पिराना मतलब रेड बेली पिराना जो है रेड बेली पिराना आप लोग बहुत ही कॉमन है आप लोग सुने होंगे रेड बेली पिराना देखिए अकेला नहीं आता है पूरा झुंड लेके आता है उसके बाद पूरा खत्म कर देता है और देखिए आप लोग अगर सपोज आपके पास पिराना है आप लोग एक बार टैंक क्लीन करने जाइए बेयर हैंडेड और आपके पास अगर पूरा झुंड में पिहाना है दस टो बारह टो आप एक बार आपका हाथ का हालत देखना आपका हाथ रहेगा कि नहीं वो भी नहीं पता आफ्टर टैंक क्लीनिंग सो so गाइस पिराना भी बेसिकली बहुत ही डेंजरस टाइप फिश होता है ये बुली टाइप फिश नहीं एकदम डेंजरस होता है क्योंकि डायरेक्ट मार देता है इंसानों को भी आराम से मार देगा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं इसीलिए ही बोला जाता है कि भाई ये सब फिश को जो है नॉर्मली लोकल रिवर पॉन्ड में मत छोड़ो आपके पास अगर पॉन्ड है तो रखो या फिर लोकली मत छोड़ो क्योंकि गाइस ये लोग इतना ही डेंजरस होता है कि भाई कभी भी मार देगा देखिए अनजाने में कोई अगर वो रिवर में आ जाए तो पिराना उसे नहीं छोड़ेगा पूरा झुंड लेके आके एकदम काट के पूरा खा लेगा इसीलिए बोला जाता है कि इसे जो है नेटिव में रिवर में मत छोड़ो सो गाइस आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को एक लाइक करना है लाइक के बिना कहीं मत जाना और भाई ऐसा वीडियो इन फ्यूचर रेगुलरली देखने देखना चाहता है तो चैनल को क्या करना होगा सब्सक्राइब भी करना होगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो